उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा पर उसे लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि किस तरीके से उसके ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने मुस्लिम युवक दोस्त से उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाया। क्या है ये पूरा मामला और क्या इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है? पुलिस की कार्रवाई आपको बाद में बताते हैं, पहले ये जान लीजिए कि इस पर क्या शिकायत की है पीड़िता ने और ये क्या पूरा मामला है। दरअसल यहाँ पर अलीगढ़ के गबाना इलाके के पास एक गांव की रहने वाली एक छात्रा, जो कि यहाँ पर धर्म समाज महाविद्यालय में पढ़ने आती थी और वो बीएससी की छात्रा थी, उसने बताया कि किस तरीके से उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक फर्स्ट ईयर की छात्रा ने उस अपने मुस्लिम युवक के साथ वो कॉलेज में आई और उससे दोस्ती करने के लिए कहा, जब वो मंदिर के पास बैठी हुई थी। तभी ये बात प्रॉक्टर को पता लग गई और वहाँ पर कुछ छात्रों को पता लग गई, जिसके बाद वहाँ छात्रों ने पहुँचकर हंगामा शुरू कर दिया और उस मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी। पीड़िता ने क्या बताया? पीड़िता ने कहा है कि कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा ने बाहरी मुस्लिम युवक को कॉलेज में बुलाया था। पूछताछ के दौरान वो तरह तरह के बयान बदल रही थी। वह मुस्लिम युवक से मेरी दोस्ती कराना चाहती थी। प्रॉक्टर सर को देखते ही उसने मुझसे कहा कि इसे अपना भाई बता दो, मुझे लगता है कि वो लव जिहाद का शिकार बनाती है। अब किस तरीके से यहाँ पर उसके बाद छात्र नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। छात्र नेता ने कहा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है लव जिहाद का इस कॉलेज में, ये इससे भी पहले कई और मामले आ चुके हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है और ऐसे युवकों को 151 के तहत कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। अब इस मामले पर सीओ शिव कुमार ने बताया है कि डीएस कॉलेज में एक बाहरी लड़के को किसी लड़की से बात करते हुए वहां लड़कों ने पकड़ा। इसके बाद उसे चीफ प्रॉक्टर के सुपुर्द कर दिया गया। जांच करने पर पता चला कि लड़का और लड़की एक ही समुदाय के हैं। लव जिहाद का इसमें कोई मामला नहीं था। पुलिस द्वारा शांति भंग में चलान भी किया गया है। अब ये पूरा जो बयान है ये पुलिस की तरफ से दिया गया है। इस मामले पर पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है इसमें लव जिहाद के एंगल होने से, लेकिन छात्रा ने कहा है कि बाहरी मुस्लिम युवक यहाँ पर आते हैं और उसने मुझे दबाव बनाने की कोशिश की है, उसी की कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने। इसके साथ छात्र संघ के नेता ने भी ये बात कही है कि मुस्लिम युवक लव जिहाद के शिकार बनाने के लिए यहाँ पर कॉलेज में घुसते हैं। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।